खबर मालाखेड़ा से। मालाखेड़ा सहित जिले में अनेक स्थानों पर कब्रिस्तान की जमीन को खातेदारी में नाम जुड़वाने को लेकर आज मेरे समाज की ओर से शहर में मौन जुलूस निकाला गया। इस दौरान शहर के सही स्मारक पर पूर्व मंत्री नसीब खान के नेतृत्व में मेरे समाज के लोग इकट्ठे हुए, जहां से मौन जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पूर्व मंत्री नसरू सहित अनेक समाज के लोगों ने बताया कि जिस तरह से कब्रिस्तान की जमीन को खातेदारी में करवाया जा रहा है, जिसमें मंत्री सहित जिले के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिसको लेकर मुद्दा उठाया गया था। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुक्रिया अदा किया कि उनके द्वारा SDM प्यारे लाल, सोट लाल और तहसीलदार कमल पचौरी को निलंबित कर दिया गया, जिसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मौन जुलूस निकाला गया। वहीं अश्रु मंत्री ने कहा कि हमने भी शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर कब्रिस्तान की जमीन को मुक्त करा सकती है। काम नहीं किया ये 1947 के बाद आज पहले कब्रिस्तान के बारे में था, और जो नाजायज तरीके से मंत्री जी की देखरेख में जो ये हुआ, अधिकारियों ने सही जांच करके उसको गलत पाया गया और गलत को कैंसिल इन्होंने कर दिया गया। गलत के बाद हमारे जिले के नेताओं ने, किसी भी कांग्रेस के नेताओं ने एक ने भी इस बात की ओर गौर नहीं किया कि हमारे आज समाज में या कब्रिस्तान के, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे शमशान हो, चाहे मंदिर माफी हो, जगह, ये जगह कभी किसी के खातेदारी नहीं होती है, जो इन्होंने गलत खातेदारी कर दी। तो अभी ना तो प्रशासन ने, ये तो जब लास्ट में अच्छा है मुख्यमंत्री जी ने इसका निर्णय लिया, और उनको हम धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से ये शांतिपूर्वक निपटाया, हमने शांतिपूर्वक जुलूस निकाला है, शांतिपूर्वक हमने इनको कागज दे दिया। अब ये आगे की जांच के लिए हम ये भी कर रहे हैं। ये तो आप मीडिया को भी पता लग गया, जो ये बात को छुपा रहे थे कि ये सही है जमीन, अगर ये कस्टोडियन और कब्रिस्तान नहीं होती तो ये कोई इसको डिग्री को कैंसिल करते क्या? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस जिले में कभी भी किसी भी पार्टी का राज रहा हो, किसी ने ऐसा कोई कब्रिस्तान के बारे में काम नहीं किया। किसी भी समाज में होगी मेरे साथियों, वो बुराई किसी भी जाति में होगी मेरे साथियों, वो बुराई किसी मजहब में होगी साथियों, उनको दरकिनार करना है। और उस बुराई को, वो जो है सामाजिक तत्व जो हमारे समाजों को खोखला कर रहे हैं, वो प्रशासनिक तबके के लोग जो हमारे हुए समाजों को खोखला कर रहे हैं, जो दीमक की तरह खा रहे हैं मेरे साथियों। और मैं कहता हूँ कि हर इंसान का, चाहे राजा है चाहे रंक है, उसका अंतिम पड़ाव मेरे साथियों शमशान घाट है, वो कब्रिस्तान है। अगर इनको ही हम प्रॉफिट बिजनेस बना लेंगे मेरे साथियों, तो हम दफन कहाँ होंगे मेरे साथियों, हमें कहाँ मिट्टी दी जाएगी मेरे साथियों। तो मैं तमाम साथियों से कहता हूँ कि ये आज एक वो क्रांति का आगाज है मेरे साथियों, क्योंकि समाज में वो चेतना आई है, क्योंकि ये जरूरी है, कब्रिस्तान जरूरी है, वकबर बोर्ड की वो जो जमीनें हमने कब्जे कर रखी है, गौचारा की जो भूमि है उस पर जो हमने कब्जे कर रखा मेरे साथियों, इन तमाम उन जमीनों से वो कब्जा बेदखल करवाया जाए। और जो भी अधिकारी, जो भी राजनीतिक, जो भी मंत्री या कोई भी बंदा अगर इनमें सैलिप पाया जाता है मेरे साथियों, निलंबन ही निलंबन नहीं, उनको तो बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को तो नौकरी पर रहने का कोई दायित्व ही नहीं होता मेरे साथियों।